अति आवश्यक है कि सबसे पहले ग्रामों का विकास हो और इसके लिए यह आवश्यक है कि गांवों में जागरूक और प्रशिक्षित युवा पाए जाए। हमारे गांव, हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है, अगर हम अन्य क्षेत्रों में देखें जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे जिले के कई ऐसे बच्चे हैं जो नीट या जेई पास करके आईआईटी एम्स में पढ़ रहे हैं। यही बच्चे आगे चलकर हमारे समाज को प्रगति की राह पर ले जाएंगे या समाज में बदलाव लाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हाल ही में हुए मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट 2021 में हरनाज कौर संधु, जो कि सिर्फ 21 वर्ष की है, उन्होंने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया। आज वह यूथ आइकन बन चुकी है और उनके जैसे हजारों युवाओं को प्रेरित कर रही है और उनकी मदद कर रही है कोरोना से बचने या कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में। युवा पीढ़ी जो है उसने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज उन्हीं के कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग को देखें तो स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स सारे युवा ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे समाज की सेवा की और उन्हीं के कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बिन युवा समाज की कल्पना करना मतलब बिना हरे पत्ते के लहलाती खेत की कल्पना करना है। अर्थात जैसे हम बिना हरे पत्तों के खेत की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही बिन युवा के एक बेहतर और सेफ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। धन्यवाद। चलो बेटा चलो, है चेंज करना चेंज कर लो। आए साथियों, आज मैं आप सभी के सामने समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका के विपक्ष में हूँ। और पास में ले जाओ माइक को। हमारे समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका होती है, इस बात से मैं पूरी तरह असहमत हूँ, क्योंकि नए समाज के निर्माण में युवाओं की नहीं हमें बुजुर्गों की भी अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें नए समाज के निर्माण में अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता होती है। नशे के चक्कर में फंसती जा रही है, आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि पूरे युवा नशे की लत में है, वह युवा जो आज अपने भविष्य को बनाने में मेहनत कर रहा है, वह अपने परिवार के समस्या व बोझ पे दबते जा रहा है। बताइए वह युवा क्या अपने समाज का नव निर्माण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वह युवा जो आज अपने सपनों में लगा हुआ है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे गलत कुल नहीं, एक अपने देश की आत्मा होती है समाज। आत्मा ही अपने देश का विकास निर्धारित करती है। एक अपरिपक्व अनुभवी ही व्यक्ति क्या अपने देश का निर्माण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपके सामने एक मैं ताजा उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। हाँ, बड़ा है। यूक्रेन का राष्ट्रपति अभी युवा नेता है। उसके युवा विचार के चलते आज दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। उसका पूरा परिणाम वह एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं समाज के बेहतर निर्माण में युवाओं की भूमिका के पुरजोर विरोध करती हूँ। जब आप अनुभवी लोगों की विशेषता समझ जाएंगे, तब आप एक